में जहां पर हाफिज नईम उर रहमान जलसे से खिताब कर रहे हैं। तालीम के हक को छीना जा रहा है, तालीम महंगी की जा रही है, सरकारी इदारे तबाह किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को ग्रांट नहीं मिल रही है, तो ऐसे वक्त में फिर भी जब लोग पढ़कर मेहनत करके गरीब लोग मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर इन्होंने साजिश ये की कि जो टेस्ट होते हैं एमडीकेट हुआ वो जाली तरीके से लिया गया और टेस्टों का निजाम भी फर्जूदा हो चुका, इम्तिहान का निजाम भी गला सड़ा बना दिया और फिर जब इस पर भी बस नहीं हुई फिर भी कराची के लोग एनडी यूनिवर्सिटी में आए, फिर भी कराची के बच्चे कराची यूनिवर्सिटी में आए, फिर भी कराची के बच्चे गांव मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए। गरीब लोग मिडिल क्लास लोग बड़ी मुश्किल से पेट काट कर अपने बच्चों को आगे लाना चाहे तो इन जालिम भेड़ियों ने एक और साजिश की है इस कराची की तालीमी नस्ल कुशी की और उन्होंने इंटरमीडिएट में 11वीं जमात में हमारे बच्चों को टॉप क्लास बच्चों को फेल करना शुरू कर दिया और वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक में 90% दी उनको 3 पेपरों 4 पेपरों में फेल कर दिया और ये भेड़िए चाहते हैं कि अब ये इम्तिहान भी ना दे सके, ये यूनिवर्सिटियों का टेस्ट भी ना दे सके। मैं वजीर आला से कहना चाहता हूं अगर आपने मजीद 2 दिन इस मसले को हल नहीं किया तो इतना ही बड़ा एहतजाज हम सीएम हाउस पे करेंगे। वजीर आला साहब हमारे बच्चों को आप बर्बाद नहीं कर सकते, ये जो वडेरा माफिया हमारे शहर पर मुसल्लत हो गया है, ये जो जागीरदार माफिया हमारे शहर पर मुसल्लत हो गया है, ये बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हम इन बच्चों को इस तरह से धक्के नहीं खाने देंगे। हमने धरना रखा इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन पर, वहां पर मेरी अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं।